हेलो दोस्तों, अभी सब लोग सभी लोगों नमस्कार, गुड इवनिंग सभी लोगों को। देखिए, आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक नेक्स्ट सेगमेंट में। आज हम जो नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा, इसमें हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है ग्रेविटेशन। तो दिस इज अ काइंड ऑफ कंटिन्यू क्लास, जिसमें हम एक दो टॉपिक लगातार पढ़ेंगे। इसमें जो 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 टॉपिक है हमारा नेक्स्ट वाला, ये है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्या होता है, कैसे होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम एक डिटेलिंग में चीज़ें समझेंगे और जानेंगे कि गुरुत्वाकर्षण से प्रश्न कैसे बनते हैं, किस तरीके क्वेश्चन बन सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण से जो है वो क्वेश्चन किस टॉपिक से बनते हैं। और ये हमारे लिए सिर्फ पढ़ना ज़रूरी नहीं है, बल्कि आपको जानना भी ज़रूरी है कि किस तरीके से हमारी पृथ्वी सभी चीज़ों को अपनी अपनी तरफ आकर्षित करती है। क्या पृथ्वी ही सभी चीज़ों को आकर्षित करती है, या बाकी ब्रह्मांड की जो बाकी चीज़ें हैं वो भी अपनी तरफ चीज़ों को अट्रैक्ट करती है, राइट? सोचने को तो बनता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब न्यूटन ने ग्रेविटेशन का लॉ नहीं दिया था तो इसको हम किस तरीके से समझते थे, राइट? हमारे जो सोलर सिस्टम है वो किस तरीके से कार्य करता है, और सोलर सिस्टम के बारे में कौन कौन सी भ्रांतियां पहले के ज़माने में कभी रही हैं। इसके साथ साथ में हम ये भी जानेंगे ग्रेविटेशन से कि अगर कोई फॉर्मूला आता है, कोई न्यूमेरिकल आता है, तो न्यूमेरिकल का टाइप कैसा हो सकता है, किस लेवल का न्यूमेरिकल हो सकता है, ये भी चीज़ें समझेंगे। इस टॉपिक को मैं बहुत सारे एग्जाम्स को लेकर कवर करूंगा। कौन कौन से एग्जाम्स को लेकर मैं कवर करूंगा, तो मैं आपको बता देता हूं कि एसएससी में जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी एग्जाम्स को हम कवर करेंगे। सो ऑल एसएससी एग्जाम, ऑल रेलवे एग्जाम, आरआरबी के दो एग्जाम होते हैं, एक तो आरआरबी एनटीपीसी होता है और एक आरआरबी ग्रुप डी होता है। तो हम सारे आरआरबी के एग्जाम्स कवर करेंगे, और जितने भी स्टेट एग्जाम्स होते हैं जिनमें टीचर के बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, जिनमें पीसीएस के भी एग्जाम्स होते हैं, तो इन एग्जाम्स को भी हम कवर करेंगे। एसएससी में ही सीजीएल होता है, सीएचएसएल होता है, एमटीएस होता है, सीपीओ होता है, ये सारे एग्जाम एसएससी में होते हैं। तो एसएससी में एक चीज है कि सीजीएल सीएचएसएल में एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है, लेकिन बाकी जो एग्जाम्स हैं, सीपीओ है, सीएचएसएल है, इनमें न्यूमेरिकल नहीं बनते, राइट? अगर हम आरआरबी की बात करें तो आरआरबी में भी दो एग्जाम होते हैं, एक तो एनटीपीसी का होता है, नॉन पॉपुलर टेक्निकल जो कैटेगरी है, और दूसरा जो है वो ग्रुप डी का एग्जाम होता है। तो यहाँ से जो न्यूमेरिकल बनता है वो ग्रुप डी में बनता है, राइट? और एक नहीं, अच्छा खासा न्यूमेरिकल बनते हैं ग्रुप डी में, लेकिन एनटीपीसी में क्वेश्चन केवल बेसिकली थ्योरी वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थ्योरी के जो क्वेश्चन होते हैं केवल वही बनते हैं, लेकिन ग्रुप डी में क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाला भी बनता है। स्टेट पीसीएस के एग्जाम की बात करें तो यहाँ पे मोस्टली क्वेश्चन थ्योरिटिकल बनते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल पूछे जाने की संभावना भी होती है, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास की, कि क्या क्या चीजें थी, ग्रेविटेशन क्या था, कैसे ग्रेविटेशन की शुरुआत होती है। बट उसके पहले हम थोड़ी बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। मेरा नाम है योगेंद्र सिंह, ठीक है? मैंने बीटेक किया है, बीटेक कानपुर से बहुत सारे सालों तक पढ़ाया है। मैं अनअकैडमी प्लस पे पढ़ाता हूँ, और अनअकैडमी प्लस की जो टीचिंग है, जिस तरीके से वहाँ पर पढ़ाया जाता है, उसका एक नमूना मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, एक सैम्पल आपको दे रहा हूँ। अनअकैडमी पर जुड़ने के लिए आपको सबसे पहले तो जिस कैटेगरी को चूज़ करना है वो है एसएससी। आप एसएससी पे जाएंगे, ठीक है? आप एसएससी पे जाएंगे और एसएससी कैटेगरी में, यस, एसएससी कैटेगरी में आपको सर्च करना है योगेंद्र सिंह, ठीक है? क्या सर्च करना है? योगेंद्र सिंह, पूरा नाम लिखेंगे, ठीक है? योगेंद्र वर्मा नहीं लिखेंगे, योगेंद्र सिंह लिखेंगे, तो आपको बहुत सारे एजुकेटर वहां पर दिखाई देंगे। उनमें एक उनमें थोड़ा आप ऑल एजुकेटर पर जाओगे तो आपको मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा, राइट? इसमें लगभग आपका जो है 2000 फॉलोवर है मेरे, और आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मेरा मिल सकता है, मतलब इस जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहां से भी जंप कर सकते हैं, ठीक है? जब पहली क्लास देखेंगे तो वहां पे आपको एक कोड मांगेगा, कोड क्या है? योगेंद्र, कैपिटल में डालोगे योगेंद्र तो वो खुल जाएगा। अब इस कोड का क्या मतलब है, क्या लॉजिक होता है, जितनी भी क्लासेस होती हैं प्लस की स्पेशल क्लासेस, वो सभी फ्री होती हैं, उनका कोई पैसा नहीं है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अनअकैडमी केवल प्लस में ही पढ़ाती है, अनअकैडमी केवल पैसा लेके ही पढ़ाता है ऐप पर, जो कि ऐसा नहीं है। अनअकैडमी पर क्लासेस फ्री भी रहती हैं, उन फ्री क्लासेस को भी आप एक्सेस कर सकते हैं, उन फ्री क्लासेस को भी आप देख सकते हैं, राइट? तो मेरा कोड याद रखना, कोड क्या है योगेंद्र, जब आप पहली बार क्लास को देखने जाओगे तो वो आपसे कोड मांगेगा। चलो क्लास की शुरुआत करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर आप अनअकैडमी प्लस पर पढ़ना चाहते हैं तो आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। प्लस के क्या फायदे हैं, आपको जिस तरीके की ये वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूँ, किस तरीके की वीडियो आपको मिलती है, टॉपिक वाइज टॉपिक टीचर पढ़ाता है आपको, हर टॉपिक के बाद आपका टेस्ट लेता है, मॉक टेस्ट भी आपको मिलते हैं इसमें, टीचर आपके नोट्स भी बनवाता है, उन नोट्स को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, और आपकी एक रेगुलरिटी रहती है, राइट? कि आपको आज मैथ्स में ये टॉपिक पढ़ना है, आज फिजिक्स में ये टॉपिक पढ़ना है, हिस्ट्री में ये टॉपिक पढ़ना है, और आपको सारे टीचर मिलते हैं।
अगर आप अनएकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वहाँ पे, आप अनएकेडमी की जो टॉप एजुकेटर हैं उनके बैच में एनरोल कर सकते हैं। बैच का मतलब होता है उसमें टॉप एजुकेटर होते हैं, टॉप फैकल्टी होते हैं, वो आपको एक बैच में एनरोल कर देंगे, उसी बैच में सारे एजुकेटर मौजूद होते हैं। एक इंग्लिश का होता है, एक मैथ का होता है, एक रीजनिंग का होता है, राइट, एक जो है जीएस के होते हैं, जिसके दो तीन टीचर होते हैं, कोई साइंस पढ़ाता है, कोई हिस्ट्री पढ़ा रहा है, कोई इकोनॉमी पढ़ा रहा है। चलिए तो क्लास की शुरुआत करते हैं। सब्सक्रिप्शन जो अमाउंट है वो 1300 रुपए से लेकर 7800 रुपए तक है, आप कोई भी प्लान चूज कर सकते हैं। 24 महीने में ये फायदा है कि 24 महीने की जो मंथली कॉस्ट आती है वो काफी कम आ जाती है, 325 रुपए आएगी, जबकि एक महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं आप तो आपकी मंथली जो कॉस्ट आती है वो 1300 रुपए होती है, जो कि काफी ज्यादा है। तो अब आपको समझ में आ ही रहा होगा कि मंथली कॉस्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये काफी सस्ता पड़ता है, और मंथली और ये 24 महीने का काफी सस्ता पड़ता है और एक महीने का काफी महंगा पड़ता है। ठीक है, चलो तो क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ग्रेविटेशन है क्या, राइट, ग्रेविटेशन है क्या, ग्रेविटेशन की जरूरत क्या पड़ी, ग्रेविटेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, और ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए भले ही हम साइंस, भले ही हमारा पेपर हो या ना। दोस्तों आज पृथ्वी, हमारी जो अर्थ है वो अपनी ही जगह पर रिवॉल्व कर रही है ग्रेविटेशन की वजह पे। आज सूर्य सोलर सिस्टम का हिस्सा है ग्रेविटेशन की वजह पे। सूर्य के चारों ओर इतने सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं ग्रेविटेशन की वजह से। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं और मेरे पैर जमीन पर हैं, और अगर मैं उछलने की कोशिश करूं वापस वहीं पे आ जाऊंगा ग्रेविटेशन की वजह से। मतलब जो भी चीज यूनिवर्स में बैलेंस है वो सब कुछ ग्रेविटेशन की वजह से, राइट, और ये बात न्यूटन ने सबसे पहले बताई। लेकिन क्या इसके पहले ग्रेविटेशन था? नहीं, डेफिनेटली इसके पहले ग्रेविटेशन था, लेकिन ग्रेविटेशन को अच्छे से समझाने वाले, न्यूमेरिकल फॉर्म देने वाले पहले व्यक्ति का नाम था न्यूटन भाई साहब। बात समझ में आ रही है? अब लेकिन इसके पहले ग्रहों के बारे में कुछ स्थिति ऐसी नहीं थी, ग्रहों को लेके अलग अलग बातें थी, अलग अलग चीजें कही गई, जिसमें सबसे पहले व्यक्ति का नाम था कैपलर। क्या नाम था? पहले व्यक्ति का नाम था कैपलर, राइट। बस एक मिनट, तो जो पहले व्यक्ति थे उनका नाम क्या था? कैपलर। तो कैपलर ने सबसे पहले थ्योरी दी इन सभी चीजों को लेके, और कैपलर के तीन नियम दिए गए जिन्हें कैपलर की ग्रहों के नियम कहा गया, इन्हें नियम का कहा गया। क्या कहा गया? कैपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, कैपलर के ग्रहों की गति के नियम। ठीक है, हिंदी में अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा कैपलर के ग्रहों की गति के नियम। ठीक है, एक मिनट, सही है। ठीक है, तो मैं हिंदी में भी लिख देता हूं यहां पर कैपलर के ग्रहों की गति के नियम, गति के नियम, हिंदी में हम इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब कैपलर ने जो पहला नियम दिया था उसको कहा गया, पहला जो नियम था उसे कहा गया लॉ ऑफ पीरियड्स। क्या कहा गया? लॉ ऑफ पीरियड। ठीक है, ग्रहों की कक्षा का नियम। और लॉ ऑफ पीरियड में एक बात कही गई, लॉ ऑफ पीरियड में एक बात कही गई कि जितनी भी ग्रह मौजूद हैं हमारे सोलर सिस्टम में, वो सारे के सारे ग्रह इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। कैसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं? इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। लेकिन इसके पहले थोड़ा हम पहले और आते हैं, और एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, एक वर्ड होता है, उस वर्ड को आप पहले अच्छे से समझ लीजिए। इस वर्ड का नाम क्या है, इस वर्ड का मकसद क्या है, वो भी मैं आपको थोड़ी सी चीज में समझा देता हूँ। एक वर्ड है जिसका नाम है हीलियोसेंट्रिज्म, हीलियोसेंट्रिज्म। अब ये हीलियोसेंट्रिज्म का मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये मतलब है हीलियोसेंट्रिज्म का। और हीलियोसेंट्रिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो सबसे पहले जिस व्यक्ति ने दिया था उसका नाम था गैलीलियो। ठीक है, अब ये कैसे दिया? गैलीलियो का मानना था कि जितने भी ग्रह हैं वो सारे के सारे सूर्य की तरफ चक्कर लगाते हैं। अब आप कहोगे सर इसमें नई चीज क्या बताइए, तो हमें पहले से पता है, लेकिन आपको तब पता चला कि जब ये गैलीलियो ने बताया। गैलीलियो के पहले रोम में पादरियों का एक बाइबल था, उसके अनुसार चीजें चलती थी, और उनका ये मत था या उनका ये मानना था कि जो अर्थ है वो सेंटर में है और उसके चारों ओर जो बाकी के जो प्लैनेट है वो चक्कर लगा रहे, सूर्य भी उसी का एक हिस्सा है।
जिसे कहा गया जियोसेंट्रिज्म। जियोसेंट्रिज्म का मतलब पृथ्वी हमारी सेंटर में, उसके चारों ओर बाकी के ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। तो अगर हम जियोसेंट्रिज्म की बात करें तो रोमन और कैथोलिक जो जो बाकी की चीजें उन लोगों ने ये सब बातें कही, लेकिन जब ये बात गैलीलियो ने कही तो रोम के पादरी, रोम के धर्मगुरु इस चीज से खफा हो गए। उन्होंने कहा कि भाई ये तो बहुत ही गलत बात है, ये तो धर्म के खिलाफ कहने वाली बात है। एक बड़ी कहावत है, एक बहुत ही अच्छी कहावत है कि धर्म और विज्ञान साथ साथ चलना एकदम असंभव है। जब किसी भी समाज में, किसी भी सोसाइटी में धर्म का बोलबाला होता है तो विज्ञान कहीं कोने पर पड़ा होता है। इसी तरीके से जहां विज्ञान का बोलबाला होता है वहां धर्म का इतना महत्व नहीं दिया जाता है। उस टाइम पे रोमन रोम के क्षेत्र में और बाकी के जो जो क्षेत्र थे वहां पे धर्म का बोलबाला था, तो विज्ञान कोने में पढ़ा रहा और उसी कोने में डाल दिए गए गैलीलियो। गैलीलियो को समाज में बहिष्कृत किया गया और उन्हें नजरबंद कर दिया। नजरबंद का मतलब समझ गए होंगे, उन्हें घर से बाहर नहीं निकल सकते वो। तो नजरबंद किया गया गैलीलियो को सिर्फ ये कहने के लिए कि जो आपका मत है, जो आपका सोचना है कि सेंटर में अर्थ है, बाकी सूर्य उसका चक्कर लगा रहा है, वो गलत है, राइट। बाद में जाके पता चला कि गैलीलियो ने जो बात कही थी वो सही है। हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें हीलियोसेंट्रिज्म का कॉन्सेप्ट है। हीलियोसेंट्रिज्म के सेंटर में हमारी सन है और उसके आसपास कौन चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी चक्कर लगा रही है, और ये बात इन्होंने कही। उसके बाद आते हैं कैप्लर। कैप्लर कहते हैं हाँ बात सही है, जो हीलियोसेंट्रिज्म का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सही है, सेंटर में हमारी, सेंटर में जो है हमारा सन है, राइट। तो इन्होंने क्या कहा ये भी समझ लीजिए। इन्होंने कहा कि बिल्कुल सही बताया है हमारे दोस्त ने, सेंटर में सन है और इसके चारों तरफ अलग अलग ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, और इन ग्रहों की जो जो ऑर्बिट है वो कैसी है, इलिप्टिकल है। तो दूसरी जो चीज जो मैंने अभी आपको बता रहा था लॉ ऑफ पीरियड की वाली बात, कि भाई इनमें जो जो भी ग्रह चक्कर लगा रहे हैं उनकी जो ऑर्बिट है वो कैसी है, वो इलिप्टिकल है, एक तरीके से वृत्तीयाकार है, इस तरीके से ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये पहला नियम था, किसका था, कैप्लर का नियम था। तो मैंने जो छोटी छोटी चीजें जो मैंने आपको बता दी होंगी, मैंने छोटी छोटी चीजें क्या बताई हैं कि एक तो चीज ये बताई कि जो ऑर्बिट्स हैं वो इलिप्टिकल होते हैं और इसके दो फोकस हैं, क्योंकि जो भी इलिप्स होता है, राइट। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो भी इलिप्स होता है उस इलिप्स के दो सेंटर होते हैं, इन्हें हम फोकाई कहते हैं। तो सेंटर में यहाँ पे सन है, सपोज दैट सेंटर में यहाँ पे सन है, या फिर सेंटर को थोड़ा सा किनारे कर लेते हैं कि एग्जैक्टली सन ऐसा नहीं होगा, तो इसके दो फोकस होंगे। एक फोकस यहाँ पे होगा जिसे हम F1 कह सकते हैं, और एक फोकस यहाँ पे होगा जिसे हम F2 कह सकते हैं। वैसे तो ये आपके जानने की बात जरूरत नहीं है, बट फिर भी आप समझ लीजिए मैं क्या कहना चाहूँ। अच्छा, अगर ये एग्जैक्टली सेंटर में नहीं है तो डेफिनेटली होगा कि ये जो पॉइंट है ये सूर्य से दूर होगा और ये जो पॉइंट है ये सूर्य से पास में होगा। बिल्कुल सही है, बोलो बात समझ में आ रही है। तो जो पॉइंट सूर्य से दूर है उसका एक नाम दे दिया गया। क्या नाम दिया गया इसको, कहा गया अपहेलियन। क्या कहा गया, अपहेलियन, हिंदी में कहते हैं अपसौर, ठीक। और जो पॉइंट सूर्य के पास में था उसे कहा गया पेरेलियन, ठीक है। क्या कहा गया, पेरेलियन, याद रखेंगे सभी लोग, राइट। तो यहां पे क्या हो गया, ये सूर्य के पास में हो गया। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकी जो ये टाइम ये कब होता है, तो ये शायद 4 जनवरी को होता है और ये 4 जुलाई के लगभग होता है, तो ये थोड़ा कभी 4 जून के लगभग होता है। तो ये पॉइंट आप देख लेना डेट क्या होती है। तो जो मैं बेसिकली जो चीजें बताना चाह रहा था वो ये चीज है कि कैप्लर का जो पहला नियम है वो ये कहता है कि सूर्य, हमारा जो सूर्य है वो सेंटर में है और इसके आसपास जो बाकी के ग्रह हैं वो चक्कर लगा रहे हैं, और इन ग्रहों का जो जो कक्षा है, जो उनका जो ऑर्बिट है वो इलिप्टिकल नेचर में है, ठीक है। दूसरा नियम क्या कहता है, कैप्लर का दूसरा नियम कहता है। अब देखो समस्या, मैंने क्या कहा कि सूर्य हमारा सेंटर में, तो अगर सूर्य सेंटर में यहाँ पर है, सूर्य ये सर्व सूर्य है और इसके आसपास चक्कर लगा रहे हैं, कौन चक्कर लगा रहा है इसके आसपास, राइट, ठीक है। इसके आसपास मान लीजिए पृथ्वी चक्कर लगा रही, तो पृथ्वी की स्थिति ये है। अब देखिए होगा क्या, ऐसे केसेस में जब ये पृथ्वी यहां पर आएगी तो गर्मी ज्यादा होगी, और जब ये यहां पर आएगा तो सर्दी ज्यादा होगी। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि सर्दी गर्मी का कॉन्सेप्ट क्या है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जब ये सूर्य के पास में होता है तो ये वाला जो एरिया है, जो एरिया स्वीप हो रहा है, और ये वाला जो एरिया है, जो एरिया स्वीप हो रहा है, ये दोनों बराबर होते हैं। आप सोच रहे होगे सर ये तो अजीब सी स्थिति है, ये दोनों एरिया बराबर कैसे होंगे, राइट। तो भाई एरिया इसलिए बराबर होते हैं दोस्तों कि जब ये सूर्य के पास में होता है तो पृथ्वी की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है और एक ज्यादा एरिया स्वीप करता है, राइट।
जब ये इसके नजदीक होता है तो पृथ्वी की स्पीड बढ़ जाती है और एक ज्यादा एरिया स्वीप करता है, और जब ये पृथ्वी से दूर होता है तो इसकी स्पीड घट जाती है और एक कम एरिया स्वीप करता है। मतलब ये है कि जो पृथ्वी है वो इक्वल इंटरवल ऑफ एरिया स्वीप करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यही कैपलर का दूसरा नियम। कैपलर का दूसरा नियम कहता है हिंदी में कि जो भी ग्रह होता है वो एक निश्चित समय अंतराल में एक निश्चित एरिया, एक निश्चित क्षेत्रफल को कवर करता है जो उसके वृत्त में पड़ता है। किसको सेंटर में लेते हुए? सूर्य को सेंटर में लेते हुए। बात समझ में आ रही है? सो द एरिया बिटवीन दिस एंड दिस इज ऑलवेज इक्वल, और ऐसे में क्या होगा कि यहाँ पर जो स्पीड है इसकी वो बढ़ जाएगी। ये दूसरा नियम है कैपलर का। अब कैपलर के तीसरे नियम पर आते हैं। तो कैपलर का तीसरा नियम क्या कहता है? कैपलर का तीसरा नियम कहता है, So, कैपलर का जो तीसरा नियम है वो कहता है कि जो टाइम पीरियड होता है किसी भी ग्रह को चक्कर लगाने में, जो टाइम पीरियड होता है अगर उसका स्क्वायर किया जाए तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस रेडियस के क्यूब के बराबर। क्या होता है? रेडियस के क्यूब के बराबर। ये कैपलर का तीसरा नियम है, और अगर इसे हम हटा भी दे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बीच में आ जाता है, लेकिन उससे मुझे कुछ खास फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि मेरा यहाँ पर मकसद आपको ये समझाना है कि कैपलर के तीन नियम क्या क्या होते हैं, राइट? तो इसे अगर मैं इसे वर्ड में लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा कि स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू द क्यूब ऑफ रेडियस ऑफ द एक्सिस, राइट? तो मैं इसे आराम से भाषा में लिख देता हूँ, ठीक है, लिख देता हूँ मैं स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज इक्वल टू क्यूब ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट। बस यही चीज आपको, जो बच्चे हिंदी वाले हैं वो भी इसी को हिंदी में लिख लें। हिंदी में क्या बोलेंगे हम कि भाई जो 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 समय है या फिर जो आवर्त काल है उसका अगर स्क्वायर कर दिया जाए, अगर उसको उसकी घात दो कर दी जाए तो वो एक्सिस मतलब जो उसकी त्रिज्या है उसके क्यूब के बराबर होगा। यही चीज यहाँ पर कैपलर के तीसरे नियम ने कही है, ठीक है। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी, मुझे लगता है कि इसकी बात समझने में आपको कोई समस्या नहीं आएगी, राइट? ओके, हाँ, इतनी बात समझने में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। तो ये था कैपलर के नियम। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से कि आपको अगर कैपलर के नियम आते हैं तो ये न्यूमेरिकल आपके दिमाग में आ जाएगा। किसी ग्रह की त्रिज्या आर की कक्षा में परिक्रमा की जो अवधि है वो टी है। यदि त्रिज्या 4R की कक्षा में परिक्रमा की अवधि क्या होगी? तो हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो अभी हमने पढ़ा है। हमें क्या दे रखा है कि अगर ग्रह आर की त्रिज्या में परिक्रमा करता है तो उसकी अवधि टी रहती है, तो अगर त्रिज्या को 4 गुना कर दिया जाए तो अवधि नई अवधि क्या आएगी? तो पहले हमें फॉर्मूला लिखेंगे। हमें पता है कि टी स्क्वायर जो होता है वो के आर क्यू के बराबर होता है। मैंने के कुछ भी रेंडमली कोई भी कॉन्स्टेंट ले लिया, यहाँ पे के बारे में जितना डिस्कस करने की जरूरत नहीं, मैं प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शन भी लगा सकता हूँ, बट मैंने के अपने हिसाब से ले लिया, ठीक। अब अगर मैं यहाँ पे रेडियस को 4R कर दूं तो दोस्तों टी स्क्वायर क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर हमारा नया वाला टी स्क्वायर क्या हो जाएगा? नया वाला मैंने क्यों किया? क्योंकि मैंने रेडियस चेंज कर दी है, तो R इंटू 4R का क्यूब, बिल्कुल सही है। अब देखो टी स्क्वायर बराबर क्या होगा, नया वाला टी स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा के इंटू 4 × 16 × 64 हो गया 64R³। बोलो सही है? इतनी बात समझ में आ रही? अब मुझे थोड़ी सी चीज इंपॉर्टेंट और यहाँ पे लग रही है कि अगर मैं इसको 64 बाहर कर दूं तो क्या बनेगा हमारा नया टी स्क्वायर बराबर 64 और के इंटू आर क्यू, राइट? ये बनेगा के इंटू आर क्यू। अब जरा मुझे देखो ध्यान से कि के इंटू आर क्यू क्या है, पहले वाला टाइम ही तो है। के इंटू जो आर क्यू है वो पहले वाला ही टाइम है, तो भाई मैंने लिख दिया यहाँ पे टी स्क्वायर इज इक्वल टू 64 और टी डैश स्क्वायर है ये, और ये हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर, राइट?
अगर मैं नया वाला टी निकालना चाहूं तो क्या आएगा, टी डैस इज इक्वल टू अंडर रूट 64 टी स्क्वायर। और दोस्तों 64 टी स्क्वायर क्या होता है, आप सबको पता है कि ये 64 बन जाएगा। तो नया वाला मान ला जो टाइम आएगा वो 80 आ जाएगा और यही इसका सही आंसर बन जाएगा। तो आपको लगे शुरुआत में लगा होगा कि फॉर्मूला पता नहीं क्या अजीब सा फॉर्मूला है और पता नहीं कैसे इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन आप देखो कि बड़ा आसान सा फॉर्मूला था, 80 इसका सही आंसर बनेगा। अब देखो क्वेश्चन आप गलती कहाँ करोगे ये भी मैं आपको बता दूंगा, बीच में जैसे ही ये 64 के आर क्यू आएगा आप क्वेश्चन को यहीं पे ओवर कर दोगे, आपको लगेगा बस ये आंसर आ गया। और डेफिनेटली 101% इन चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन 64 भी रहेगा, ये मान के चलिए। तो मैंने चलो अपने तरफ से क्वेश्चन बनाया था या फिर ये क्वेश्चन आया भी था सीपीओ में आया था, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन को एंड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन हमें टी में निकालना है, टी स्क्वायर में रिलेशन नहीं निकालना है। राइट, आपकी बात समझ में आ गई, बोलो। तो अगर जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी फॉर्मूले में पूरा का पूरा जो है वो समाप्त करना है, इसी फॉर्मूले में से यूज करना है। आप फटाफट इसको लिख लीजिए, आपको एक आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और इस पूरे क्वेश्चन को एज इट इज अपनी कॉपी पे उतार लीजिए, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो आपने इसको लिख लिया होगा, आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट बनी चाहिए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं और यहाँ से मैं एक ब्रीफ थ्योरी भी आपको देना चाहता हूँ कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कैसे हमारे जीवन में इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं सभी एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। मेरा ये रिमोट भी मेरे से अट्रैक्ट हो रहा है, कितना अट्रैक्ट हो रहा है, जितना मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये मेरे पे भी लगा रहा है। मतलब दो वस्तुओं के बीच में हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, दो ग्रहों के बीच में, एक आदमी एक ग्रह के बीच में, एक छोटा सा ज्वालामुखी एक छोटा सा पिंड एक ग्रह के बीच में, सूर्य और पृथ्वी के बीच में, यूनिवर्स में जितने भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं ऑल अट्रैक्ट ईच अदर विद द सेम काइंड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। राइट, यही बात न्यूटन ने कही। न्यूटन ने यह कहा कि भाई देखो जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो कहता है कि एवरी पार्टिकल अट्रैक्ट एवरी अदर पार्टिकल इन द यूनिवर्स। ध्यान से सुनिएगा वो क्या क्या कह रहा है, मोस्टली चीजें यहाँ पे आपको समझ में आने लगेगी। कह रहा है कि एवरी पार्टिकल अट्रैक्ट अदर पार्टिकल इन द यूनिवर्स विद द फोर्स दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विद द फोर्स दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो मैंने दो वस्तुएं ले लेता हूं, एक वस्तु मैंने यहां पे ले ली जिसका मास मैंने एम्बल मान लिया, एक वस्तु मैंने यहां पे ले ली जिसका मास मैंने M2 मान लिया, और इन दोनों के बीच की मैंने जो डिस्टेंस है उसे मैंने R मान लिया। तो मैंने दो मासेस लिए, एक को मैंने M1 माना एक को मैंने M2 माना, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को मैंने R माना, और अब हम यहां पे जो जो कहता जा रहा है उसे हम करते जाएंगे। सो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, सो M1 × M2। राइट, आगे देखिए क्या कह रहा है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम जो कि R है इसके स्क्वायर के बराबर है। तो हमारे पास दो जो है वो यहां से नियम आ गए। एक नियम कहता है कि जो फोर्स है वो उन दोनों के मास का गुणा करने के बराबर आता है, और एक कहता जो फोर्स है वो उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर करने के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उल्टा होता है। अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो मुझे मिलता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 × M2 / R2। ये चीज मुझे मिल जाती है। राइट, लेकिन अभी भी बात हमारी बनी नहीं है क्योंकि बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का कॉन्स्टेंट मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, तो मैं इसे हटा देता हूं और मैं लिखता हूं F इज इक्वल टू G M1 × M2 / R2। अब ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है ग्रेविटेशन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसका फॉर्मूला हमारा ये बन जाता है। अब बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये G मैंने अपनी तरफ से रख दिया, ये क्या बला है भाई। राइट, ये क्या मैंने चीज रख दिया, तो इसे कहते हैं द ग्रेविटेशन कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसे, कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसे हम जी की वैल्यू मान सकते हैं। आप फटाक से एक मिनट के अंदर इस पूरे फॉर्मेट को आप फटाफट कॉपी करिए, फिर हम आगे चलते हैं, फिर आगे हम चीजें बताते चलेंगे आपको कि इसका मतलब क्या है, ये कैसे लॉजिकल है, इन सब चीजों का मतलब क्या है। फटाफट लिखिए जरा इसको।
लिख लिया होगा। अब देखिए बात हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमारी बात यहीं से शुरू होगी, जिसे हम कहेंगे ग्रेविटेशन लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब ग्रेविटेशन लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट अभी तक फॉर्मूला हमें क्या मिला, अभी तक हमें फॉर्मूला मिला एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। सही है, हमें यही फॉर्मूला मिला, राइट। अब पहला प्रश्न बनता है कि ये जो ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है इसकी यूनिट क्या होती है, राइट। तो हम बाकी की यूनिट की बात कर लेते हैं एक बार, इसे हम छोड़ देते हैं। इसकी अगर हम यूनिट देखेंगे तो इसकी यूनिट होती है न्यूटन, बोलो सही बात है। इसकी अगर यूनिट की बात करें तो ये भी केजी होती है, ये भी केजी होती है, तो ये हो गया केजी स्क्वायर। दो केजी मिल गए, गुणा हो गया तो केजी स्क्वायर बन गया। जो रेडियस है वो मीटर में रहेगी और मीटर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो मीटर स्क्वायर बनेगा, मतलब ये जो यूनिट है ये हो जाएगी हमारी मीटर स्क्वायर। बात समझ में आई। अब हमें केवल जी की वैल्यू निकालनी है तो जी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, जी बराबर हो जाएगा ये मीटर न्यूटन में गुणा हो जाएगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय केजी स्क्वायर, दिस इज द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। ये हजारों बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, तो ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट की यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। लेकिन इसकी वैल्यू भी है जो हमेशा न्यूमेरिकल करते वक्त हमें अप्लाई करनी है, और इस वैल्यू का नाम क्या है, वो वैल्यू कितनी है, 6.67 इंटू 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, जो कि अभी मैंने जस्ट आपको बताया है 6.67 इंटू 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब कहानी स्टार्ट होती है। ओके, अब कहानी स्टार्ट होती है एक और इंपॉर्टेंट चीज से, वो ये है कि जब मैंने आपको ये बताया था कि सभी चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, एक दूसरे को खींचती हैं, तो ये जो पेन है ये मेरे से क्यों नहीं चपक रहा है, ये भी तो अट्रैक्ट होना चाहिए, या जो मेरे सामने कैमरा रखा हुआ है ये मेरे से अटैच क्यों नहीं हो रहा है, तो इसका जो आंसर है वो इसी इक्वेशन में छिपा हुआ है। कैसे छिपा हुआ है, जरा ध्यान देना दोस्तों, कि अगर मैं कहूँ कि दो बॉडी हैं, एक का मास मेरा 50 kg है और दूसरी बॉडी इसका मास जो है वो 1 kg, अगर मैं 1 kg भी ले लूँ तब भी कोई बड़ी बात नहीं है, तो इसका मास मैंने 50 kg ले लिया, इसका मास मैंने 1 kg ले लिया, मल्टीप्लाई किया तो 50 आंसर आया। लेकिन जब मैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से उसका गुणा करूंगा, 50 का गुणा करूंगा, तो वैल्यू 10^-10 में आ जाएगी। अभी 10^-10 आप समझ रहे हो, 0.00000000 समथिंग, 10 बार जीरो लगाओगे तब वो वैल्यू आएगी, मतलब ना के बराबर है। कहने का मतलब यह है कि मेरा जो फोर्स इस वस्तु के साथ में है, इस पेन के साथ में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज इतना लो है, वो इतना कम है कि ये ना भी रहे तो भी हमें लगभग जीरो के बराबर ही माना जाएगा। आपके आई थिंक इतनी सी छोटी सी जो बात है वो आपके दिमाग में चली गई होगी कि दो बड़ी बड़ी बॉडी ही एक दूसरे को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दे सकती है। पृथ्वी जैसा बड़ा स्ट्रक्चर जिसका केजी में मास बहुत ज्यादा है कि नहीं, ये 6.10^9 मतलब इतना ज्यादा मास है, वही बॉडी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को प्रॉपरली डिफाइन कर पाती है, बता पाती है, क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा है। ये बात थी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ठीक है भाई। इसीलिए जितनी बड़ी बड़ी बॉडीज होती हैं वही लॉज ऑफ ग्रेविटेशन मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनमें विजिबल होता है, छोटी छोटी बॉडियों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विजिबल नहीं होता है। दूसरा एक और लॉजिक है, ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर ये आदमी एकदम चिंदा सा आदमी जिसका कोई मास नहीं है, मुझे लगता है आपको दिख भी नहीं रहा होगा, लेकिन मैंने एक छोटी सी यहाँ पे चीटी बना दी है, इतना छोटा सा आदमी है, इस आदमी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पृथ्वी के साथ में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, राइट। कि अगर आप 2 मंजिल की छत से कूदोगे तो नीचे जब गिरोगे तब तक पापड़ बन जाओगे, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। लेकिन एक और व्यक्ति है, उसका भी इसका नीचे की तरफ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ज्यादा है, लेकिन इन दोनों का अगर निकाला जाए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो 0.00 समथिंग आएगा, जिसकी कोई लॉजिक नहीं होगी। तो मतलब क्या है कि जब ऑलरेडी पृथ्वी बहुत ज्यादा फोर्स से हमको खींच रही है तो 2 व्यक्ति आपस में खींचे ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इतना ज्यादा फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो बेसिक चीज समझ में आ गई।
दो चीजें, दो तीन चीजें थी जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, वो यही चीजें थी कि इनका एक तो इनका जो है वो एक तो यूनिट क्या होती है, और एक और इंपॉर्टेंट चीज है डायमेंशनल फॉर्मूला। हमेशा जी का डायमेंशनल फॉर्मूला भी पूछा जाता है, डायमेंशनल फॉर्मूला MLT आपने सुना होगा बचपन में कभी कैसे होता है, तो वो हम निकालेंगे वहां से यूनिट से, क्योंकि यूनिट से ही हम निकाल सकते हैं। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, दिस इज द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। अब हम इसे डायमेंशनल फॉर्मूला में कन्वर्ट करेंगे, तो दोस्तों न्यूटन का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं भी याद है तो आप याद कर लो कि फोर्स यूनिट होती है न्यूटन की, और फोर्स इक्वल टू क्या होता है, एम मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट, एम इनटू ए। तो मास का तो हो गया केजी, तो मैंने मास का लिख दिया केजी। अब मैं इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, मैं इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, देखते चलना, ठीक है दोस्तों। हाँ, तो मास का तो क्या हो गया, केजी हो गया, और इसके बाद मीटर स्क्वायर, भाई चेंज इन वेलोसिटी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये नीचे हो गया एस स्क्वायर, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मास इनटू एक्सेल, मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या होता है, वी अपॉन टी होता है, क्या होता है, वी अपॉन टी होता है, और वी क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन टी का स्क्वायर हो जाएगा। अब केजी का क्या है दोस्तों, सबको पता है केजी की जो यूनिट होती है वो एम होती है, नीचे भी केजी लिखा हुआ है, तो इसको मैंने एज इट इज ऐसे लिख लिया, इनटू मल्टीप्लाई किया एम स्क्वायर का, डिवाइडेड बाय केजी स्क्वायर, और लिख दिया, ठीक है। तो ये जो पूरी यूनिट है ये किसके बराबर है, न्यूटन के बराबर है, ठीक। अब केजी क्या हो गया हमारा, केजी तो हो गया एम, देखते चलना, और एक केजी यहां पे कट गया, ये केजी कट गया, ठीक है, एक केजी नीचे बचा जो कि नीचे है तो माइनस वन, तो एम माइनस वन इंटू, आगे चलो भाई, एक मीटर ये है और मीटर स्क्वायर ये, मीटर क्यूब हो गया, मतलब एल का क्यूब, मैं मीटर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल के क्यूब से रिप्रेजेंट करते हैं, और नीचे है सेकंड स्क्वायर को टी माइनस टू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा जो डायमेंशनल फॉर्मूला बनता है इसका ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट का, वो यही बनता है एम माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इतनी चीज लिख लीजिए और फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में। दोस्तों अगर मैं आपसे ये कहूं, ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर एक आदमी खड़ा हुआ है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस आदमी का वेट कितना है, तो आप कहोगे इस पे जो फोर्स लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है, जिसका मान mg है। बोलो सही बात है, बचपन में आपने शायद ये बात पढ़ी ही होगी कि mg जो है वो फोर्स नीचे की तरफ लगाया जाता है, ठीक, राइट है। इन दोनों के बीच का आपस में फोर्स कितना है, तो ये मान लीजिए कैपिटल एम मास का अर्थ है, स्मॉल एम इस आदमी का अर्थ है, ठीक है। तो टोटल फोर्स कितना लगेगा, तो हम लिखेंगे एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी इनटू स्मॉल एम जो कि मनुष्य का है, कैपिटल एम जो कि पृथ्वी का है, डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है। और चूंकि अगर आदमी अर्थ के सरफेस पर है, तो जो रेडियस होगी वही इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मानी जाएगी। तो रेडियस ऑफ द अर्थ, जैसे मैं आर ई लिख देता हूं इसका स्क्वायर। अब मैंने आर ई क्यों लिखा, ये चीज आपके समझ में बड़े अच्छे तरीके से आ गई होगी कि आर ई का मतलब यहां पर रेडियस ऑफ द अर्थ है, ठीक है। देखो ये एक फोर्स है और ये एक फोर्स है, एम जी वाला भी फोर्स है, ये एक ही व्यक्ति पर लग रहा है, दोनों बराबर तो होने ही चाहिए भाई, होने नहीं चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर F की जगह mg लिख दूं तो कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने mg लिख दिया, स्मॉल m व्यक्ति का है, इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू स्मॉल m, कैपिटल m जो कि अर्थ का है, तो m ही ले लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन कम हो, डिवाइडेड बाय r ही लिख लेते हैं कि r ही का मतलब अर्थ का रेडियस और m ही का मतलब मास का रेडियस, अर्थ का मास। अब स्मॉल m जो मैन का है ये दोनों हो गए कैंसिल, हो गया कैंसिल, तो जो छोटा जी आया, जो छोटा जी आया जिसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं,
देखो दोस्तों, ये एमजी क्यों आया, ये भी बात समझना। ये एमजी इसलिए आया क्योंकि एफ इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मैंने क्या किया कि जब कोई वस्तु फ्री फॉल करती है तो नीचे की तरफ उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है, ठीक है ना। एक्सेलरेशन जो जो अगर कोई वस्तु को ऊपर से खींचोगे नीचे वैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, मतलब कोई ना कोई एक्सेलरेशन से वस्तु नीचे आ रही है। अब मुझे नहीं पता था कि वो एक्सेलरेशन क्या है, तो मैंने क्या किया उसे मान लिया कि ये जो एक्सेलरेशन है यहाँ पे जो ए वाला जो एक्सेलरेशन है इसे मैंने एम जी मान लिया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये जी क्या है? जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसे क्या लिखेंगे हम? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बात समझ में आ गई? ये एक ही जगह पे आया है, ठीक है। और ये वाला फोर्स मैंने इक्वल कर दिया तो जी की वैल्यू आ गई। जी की वैल्यू कितनी आई? कैपिटल जी मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द अर्थ। अब एक इंटरेस्टिंग चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि जो पृथ्वी का मास है वो भी फिक्स है कि नहीं है? जो पृथ्वी का मास है वो फिक्स है, जो पृथ्वी की रेडियस है 6400 किलोमीटर वो भी फिक्स है। अगर सब कुछ फिक्स है और जी की वैल्यू 6.6×10⁻¹⁹ ये भी फिक्स है, अगर इन सभी फिक्स चीजों को आपस में मिलाया जाता है तो एक वैल्यू निकल के आती है। ये इसको भी पुट करो, इसको भी पुट करो, इसको भी पुट करो, तो वैल्यू निकल के आती है। कितनी आती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है, बात समझ में आई? तो 9.8 वैल्यू कैसी आई? जब आप ये मास रखोगे 9×10⁻¹ मास इसका होता है, ठीक है। जब आप रेडियस रखोगे 6400 किलोमीटर, जब आप जी की वैल्यू रखोगे, जब सारी वैल्यू आप पुट करोगे तो अपने आप ही 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी जो कि स्मॉल जी की वैल्यू होती है, ठीक है। बात इतने आप लोगों के समझ में आई थिंक आ गई होगी, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होगा कि स्मॉल जी की वैल्यू कैसे आती है, क्यों आती है और कहाँ आती है, ठीक है। अगला चलते हैं। एक ग्रह है, क्वेश्चन देखिए जरा किस तरीके से बनता है, क्वेश्चन का टाइप देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है, और ये पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी में। एक ग्रह मान लीजिए जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या का एक तिहाई, ठीक है। आगे कह रहा है यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जी है तो इस ग्रह का मान कितना होगा। अब देखो दोस्तों, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जी की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई, कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। बोलो जस्ट मैंने आपको बताया कि नहीं बताया? अभी जस्ट मैंने ये चीज आपको निकाल के दी है, कैपिटल जी मास ऑफ द अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ। अब ये अर्थ के बारे में तो कोई दूसरा ग्रह हो सकता लेकिन वैल्यू यही रहेगी, तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। आगे क्या कह रहा है देखो, वो कह रहा है दूसरा ग्रह, ठीक है, एक ग्रह मान लेते हैं जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी के द्रव्यमान त्रिज्या का एक तिहाई है, तो जो दूसरा ग्रह है उसे हम जी डैश मान लेते हैं। इसमें कह रहा है कि इसका जो मास है वो भी 1/3 है और जो रेडियस है वो भी 1/3 है, राइट। तो कह रहा है कि इसका नया जी कितना आएगा, तो मैं बहुत ही जैसा जैसा, मैं बहुत आज्ञाकारी टाइप के व्यक्ति हूँ, जैसा जैसा क्वेश्चन बोलता जाता मैं वैसे वैसे करता जाता, राइट। तो अब मैं क्या करूंगा, जी डैश निकालूंगा, तो जी डैश हमारा क्या हो गया दोस्तों, जी एम जी इंटू एम अपॉन 3 डिवाइडेड बाय, अब आर बाई 3 का स्क्वायर है, जब उसे हम स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ ऊपर नीचे तो आर स्क्वायर बाई नाइन हो जाएगा, तो ये हो गया आर स्क्वायर बाई 9। अब आप सबको पता है कि जो नीचे वाली वैल्यू है ये ऊपर जाएगी, तो ये वैल्यू ऊपर जाएगी, राइट। बात समझ में आ रही है? तो जब ये ऊपर वैल्यू जाएगी तो क्या बनेगा हमारा आंसर, तो इसे हम थोड़ा ऊपर लेके देख लेते हैं, तो ये हो गया हमारा आर स्क्वायर इंटू 9, 3×9 ये 3 बार कट गया, तो हमारा जी डैश की वैल्यू क्या आ गई, जी डैश की वैल्यू आ गई 3 कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। देखो यही आई कि नहीं आई, कैपिटल जी 3 एम अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन दोस्तों हमने शुरुआत में जी की वैल्यू क्या बताई थी आपको, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या निकल के आया, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, तो मैं ये वाली वैल्यू यहाँ रख देता हूँ, तो हमारे पास में जी डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
3G आएगी, और यही वो पूछना चाह रहा है कि जो नया वाला जी बनेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बनेगा, वो पुराने जी का कितना गुना होगा। तो राइट आंसर बनेगा डी वाला, 3G बन जाएगा। बताओ क्या कठिन था ये क्वेश्चन? मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन किसी भी लहजे में, किसी भी अंदाज में, किसी भी रूप में कठिन था, बल्कि ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया था। बस आपको ये वैल्यू रख देनी है। अब देखो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वो आपसे ये भी कहेगा कि रेडियस को अगर आधा कर दिया जाए तो क्या होगा, तो रेडियस को r बाई टू कर देना। वो आपसे ये भी कह सकता है कि मास को अगर 4 गुना कर दिया जाए तो 4m कर देना। जैसे भी वो क्वेश्चन बोले आप वैसा कर देना, सीधे सीधे वैल्यू आ जाएगी आपकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास? ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि वेट और मास में क्या डिफरेंस होता है। तो दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वेट जिसे हम भार कहते हैं, ठीक, W से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है mg। इसी में चीजें समझ में आ गई होंगी आपको कि वेट को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, वैल्यू होती है mg, और ये mg क्या है? वेट इज नथिंग बट द ग्रेविटेशनल फोर्स जो पृथ्वी किसी व्यक्ति के ऊपर लगाती है, उसे हम वेट कहते हैं, भार कहते हैं। तो भार को मैं लिख सकता हूं कि ये गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है जो पृथ्वी किसी व्यक्ति पर लगाती है, जो पृथ्वी किसी वस्तु, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकती है, व्यक्ति हो सकता है, तो इसमें कुछ भी हो सकता है, राइट। तो पृथ्वी किसी वस्तु पर लगाती है, ठीक है, पृथ्वी किसी वस्तु पर लगाती है। लेकिन जब हम भार की बात करते हैं, द्रव्यमान की बात करते हैं, तो ये सिंगल एम आ जाता है। तो जब भी हम द्रव्यमान की बात करते हैं तो द्रव्यमान का मतलब होता है मास, और मास का मतलब होता है कि जो जी पर डिपेंड नहीं करता है, जो जी के साथ में बदलता रहता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक व्यक्ति का द्रव्यमान 10 kg है, अगर वो व्यक्ति चंद्रमा पर चला जाए तो कितना मास होगा? तो आप कहोगे सर द्रव्यमान का मतलब है उस वस्तु के अंदर निहित पदार्थ की मात्रा। The amount of substance contained in a object is called mass। तो अगर वो पृथ्वी पर जाए, चंद्रमा पर जाए या किसी भी जगह पर जाए, मास उसका नहीं बदल सकता। बदल क्या सकता है? Acceleration due to gravity, ये बदलती है। और जब ये बदलती है तो इसके साथ वेट भी बदल जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम चंद्रमा की बात करें तो दोस्तों चंद्रमा पर जो जी की वैल्यू होती है वो gy6 होती है। कितनी होती है? gy6 होती है। तो अगर ये वैल्यू इतनी कम हो जाएगी तो डेफिनेटली वेट की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी। तो हम अगर नया वेट निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? mg/6, मतलब 1/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का पृथ्वी पर जो मास है वो 10 kg है, राइट। अगर चंद्रमा पे जाए तो मास कितना होगा? आप कहोगे 10 ही kg रहेगा। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि चंद्रमा पर भार कितना होगा, तो भार निकालने के लिए आपको जी पता होना चाहिए। तो मैं कहूंगा कि मास तो उसका हो गया 10 kg, राइट, और हमने वेट मिलाया तो वेट हो गया उसका 100 × 10 × 100 N हो गया। तो वेट कितना हो गया? 100 N। अब अगर वो चंद्रमा पर जाएगा तो उसका वेट कितना होगा? तो 100 N/6, तो ये उसका टोटल वेट होगा अगर वो चंद्रमा पर जाएगा तो। लेकिन मास उसका परिवर्तित नहीं होगा। तो यही चीज थी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है कि उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा जिसका भार पृथ्वी पर 196 N है। बढ़िया प्रश्न है आपसे, ठीक है, अच्छा प्रश्न है। देखिए जरा कैसे करेंगे हम, हमें क्या दे रखा है? वस्तु का द्रव्यमान आपको बताना है जिसका भार पृथ्वी पर 196 N है। भार कह रहा है मतलब वेट कह रहा है, तो वेट हमारा कितना है? 196 N, ठीक है।
कह रहा है चंद्रमा उस वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा, मास पूछ रहा है, मतलब सीधे सीधे डिवाइड कर दो भाई, डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो गया, mg हो गया, मतलब ये mg की जो वैल्यू है वो 9.6 न्यूटन है और हमें मास की वैल्यू पूछ रहा है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो m बराबर क्या हो गया, ये हो गया 196 डिवाइडेड बाय g और g की वैल्यू कितनी है 9.8, तो डिवाइडेड बाय 9.8 कितने बार गया, तो ये दो बार गया, तो सीधे सीधे हमें बन रहा है कि 20 आंसर इसका सही आ जाएगा। तो मास कितना होगा इसका, 20 kg होगा, बी विल बी द राइट आंसर। ना भाग करना तो आपको पता ही होगा यार, अगर भाभी भाग भी ना कर पाओ तो खाए की तैयारी करोगे तुम भाई, है ना। तो भाग करना तुम्हें अच्छे से आता और भाग करना बताना मेरे बस की बात भी नहीं है, ठीक है दोस्त। आगे चलें अगला प्रश्न, देखिए अब क्या कह रहा है, चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के मान के 1/6 है, यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 1.5 मीटर ऊंचा उछलता है तो पृथ्वी जो चंद्रमा पर यह कितनी ऊंचाई तक उछल सकता है। द वैल्यू ऑफ जी ऑन द मून इज 1.6 ऑफ द वैल्यू ऑफ अर्थ, इफ द पर्सन जंप 1.5 मीटर हाई ऑन द अर्थ देन हाउ, देखो दोस्त इसकी एनर्जी बराबर कर दो, इसकी mgh बराबर बराबर कर दो, अपने आप ही आंसर आपके चरणों में गिर जाए। तो देखो दोस्त अगर मैं आपसे ये कहूं कि mgh m इंटू जी इंटू एच, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी बराबर बराबर कर दो दोनों की, आपका आंसर बन जाएगा। तो अगर मैं पृथ्वी पर लूं तो मैं एम ई लिख देता हूं, मास तो सेम ही है, एच भी आपको दे रखा है, एच आपको निकालना है और जी उनका अलग अलग है, तो मैं एम को बराबर कर देता हूं इंटू नई, ये हो गया अर्थ पे, ये हो गया अर्थ पे और ये हो गया मून पे, ठीक ये हो गया मून पे। तो पृथ्वी पर और मून पर मास दोनों बराबर ही रहेगा, उनका मास तो सेम ही है, यहां पर जी बाई सिक्स हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जी की वैल्यू कितनी है 1/6 है, और हाइट हमें पता नहीं है, हाइट हमें निकालनी है, लेकिन यहाँ की तो हाइट हमें पता है ही, यहाँ की तो हमें हाइट पता है ही, हाइट कितनी है यहाँ पे, हाइट है 1.5 मीटर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1.5, बोलो सही बात है, यही पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब मल्टीप्लाई करो दोस्तों, तो जी से जी हो गया कैंसिल, एम से एम हो गया दोस्तों कैंसिल, ये 1.5 मीटर है, 6 का गुणा हो जाएगा 1.5 मीटर में, तो 1.5 में अगर 6 का गुणा होगा तो ये 9 मीटर आएगा, राइट आंसर क्या बनेगा, 9 मीटर आंसर सही हो जाएगा। देखो दिखने में क्वेश्चन कितना बड़ा लग रहा है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आपने 1 सेकंड में आंसर निकाल दिया, द राइट आंसर विल बी 9 मीटर, इसका सही उत्तर जो होगा वो 9 मीटर बनेगा। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, किसी तरीके की कोई समस्या तो आप मुझे बता सकते, ठीक है दोस्त। आगे चलें अगला प्रश्न, अब ये इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, द चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये आप अभी जिस जी के बारे में हम इतनी देर से आपको व्याख्यान दे रहे थे, जो ज्ञान दे रहे थे, उसमें एक बड़ा रोल जी का भी है कि ये जो जी है ये फिक्स नहीं है, राइट। तो ये जो जी है ये फिक्स नहीं है, ये अलग अलग तरीके से बदलता रहता है, अलग अलग तरीके से ये चेंज होता रहता है। कैसे चेंज होता है, सबसे पहले तो ये चेंज होता है शेप ऑफ द अर्थ के हिसाब से। आप सभी को पता है कि हमारी पृथ्वी अंडाकार है, हमारी पृथ्वी का आकार कुछ इस तरीके से है, और अगर इसकी हम रेडियस निकालें तो 2 रेडियस बनेगी, एक रेडियस इक्वेटर की होगी और एक रेडियस पोल की होगी। अगर इसको हम ध्यान से देखें तो हम ये कहेंगे कि जो रेडियस इक्वेटर की है और ये रेडियस पोल की है, और रेडियस ज्यादा किसकी, इक्वेटर वाली रेडियस ज्यादा है क्योंकि अंडाकार है, तो मैं ये लिख सकता हूं कि रेडियस ऑफ इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ पोल, पोल की रेडियस से ज्यादा होगा। इतनी बात आपके सबके समझ में आ गई। अब जरा मुझे ये भी बताओ दोस्त कि अगर हम स्मॉल जी की वैल्यू देखें तो ये होती है जी एम अपॉन आर ई का स्क्वायर, होती है कि नहीं होती है, यहाँ पे अर्थ की बात हो रही है तो यहाँ पे आप कंफ्यूजन ना हो तो आर ई हटा देते हैं, सिर्फ आर रखते हैं, तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर। बड़ा कौन सा है, इक्वेटर का रेडियस बड़ा है। अगर नीचे पर वैल्यू बड़ी आएगी तो जी की वैल्यू छोटी होगी, बात समझ रहे हैं,
जितनी बड़ी वैल्यू नीचे होगी उतनी ही छोटी वैल्यू ऊपर होगी, ये छोटी वैल्यू मैं यहाँ पे वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा ये कम होता जाएगा। तो अगर रेडियस ऑफ इक्वेटर ज्यादा है तो डेफिनेटली है कि जी की वैल्यू इक्वेटर पर कम होगी एज कंपेयर टू जी की वैल्यू पोल पर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? बस मैं यही आपको यहाँ से समझाना चाहता हूँ कि जो जी का मान है वो इक्वेटर पर कम होता है और पोल पर जी का मान ज्यादा होता है, क्योंकि रेडियस जो है पोल की वो कैसी है, कम है, और रेडियस ऑफ इक्वेटर ज्यादा है। ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था, ठीक है? ये बात आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, ठीक है? अगला क्या है, रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन द एक्सिस। ये चीज समझाने के लिए मुझे थोड़ा आपको रोटेशनल चीजें बतानी जरूरी है, लेकिन चूंकि अभी हम वो चीजें आपको बता नहीं सकते या फिर वो अलग चले एंगुलर मोमेंटम में चली जाएंगे, लेकिन मैं एक चीज आपको बता देता हूँ कि पृथ्वी जो है वो अपने ही एक्सिस पर घूमती है, लगातार पृथ्वी घूमती रहती है, लगातार वो चक्कर लगाती है, और इस चक्कर लगाने के कारण उसकी कुछ रोटेशनल जो है वो फ्रिक्वेंसी होती है, कुछ उसकी स्पीड होती है, कुछ ग्रेविटेशनल होता है, तो अगर उसे हम हटा दें तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, राइट? तो जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ आते जाते हैं वैसे वैसे इसकी जो रोटेशनल वेलोसिटी है उसके कारण इसकी जी की वैल्यू कम होती जाती है। तो ये वैल्यू कितनी होती है, जी जेड डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। अब ये ओमेगा स्क्वायर क्या है, दिस इज द रोटेशनल वेलोसिटी। ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है, रोटेशनल वेलोसिटी की बात हो रही है। तो आपको ये इतनी चीज याद रखनी है, लेकिन ये बहुत ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाता। आगे चलते हैं, गोइंग एट अ हाइट एंड फ्रॉम द सरफेस। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये सेंटर है हमारा, ये हमारी रेडियस है, ठीक, और एक वस्तु h हाइट पर, सरफेस से h हाइट पर यहां पर रखी हुई, यहां पर रखी हुई। अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए जरा कि अगर वस्तु हाइट पर होगी तो जी पर कोई प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो आप सीधे सीधे आप कहोगे बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि जो स्मॉल जी है वो कहता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। बात समझ में आ गई? लेकिन आर तो तभी होगा ना जब वो सरफेस पे होगा, सरफेस तो है ही नहीं, कहां पर है वो एच हाइट पर है, और अगर वो h हाइट पर है तो डेफिनेटली है कि उसकी जो वैल्यू है वो कमी होगी, राइट? उसकी जो वैल्यू है वो कमी होगी। तो अगर हम इसको यहां से ध्यान से देखें तो नया जो फॉर्मूला हमारा बन के आता है वो क्या आता है, g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन के आता है। अब देखो यहां पर जो नीचे वाली वैल्यू है ये तो बढ़ गई भाई, जो नीचे वाली वैल्यू है बढ़ गई, और अगर नीचे वाली वैल्यू बढ़ गई तो ये वाली वैल्यू घट जाएगी, यानी कि जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं जी की वैल्यू कम होती जाती है। तो हम यहाँ पे नोट पे लिखते हैं कि जी जो मैक्सिमम होता है वो कहाँ पे होता है, एट सरफेस। तो जी की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पे होती है, सरफेस पे होती है। बस यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो बहुत ही बेसिक सी बात है, बहुत ही छोटी सी बात है, ठीक है? तो जी मैक्सिमम कहाँ पे होता है, सरफेस पे होता है। बोलो ये बात सबको सबको समझ में आ गई, ठीक है? आगे चलते हैं। अब गोइंग बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, गोइंग बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ क्या होगा, अगर कोई वस्तु जमीन के अंदर जाए, सेंटर की तरफ जाए, तो जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों आप सबको पता है कि जैसे जैसे वस्तु सेंटर की तरफ होती जाएगी, राइट, यहाँ पे वस्तु आ गई, तो यहाँ पे जो वस्तु आ गई, अब आप समझिए कि दो फोर्स लगेंगे। एक फोर्स तो लगेगा सेंटर की तरफ, सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है, एक फोर्स तो सेंटर जो वस्तु को सेंटर की तरफ खींच रहा है, और एक फोर्स लगेगा यहां से ये जो ऊपर का जो सरफेस है वो भी खींचेगा इसको। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मतलब वस्तु को अब दो तरीके से खींचा जा रहा है, क्योंकि मास तो यहाँ पे भी है दोस्त भाई मेरे, बोलो है कि नहीं, मास तो यहाँ पे भी है, इसके बाहर भी एक मास है, ये वाला मास, तो ये वाला मास तो हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से तो फोर्स उल्टी की तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है, और जबकि जी का फोर्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, स्मॉल जी का फोर्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सेंटर से स्टार्ट हो रहा है। तो यानी कि ये बस बात है कि जब हम स्मॉल जी की वैल्यू लिखते हैं जी एम अपॉन
आर स्क्वायर, तो यहां पे ये वाला जो मास है इसे हम नहीं लेते हैं, ये वाला जो मास है इसे हम नहीं लेते हैं, और जब इसे नहीं लेंगे तो ये वाली वैल्यू कम होने लगेगी। और आपको सबको पता है कि ये वॉल्यूम कम हो, और जब वॉल्यूम कम होता है तो रेडियस के क्यूब में कम होता है। ये बात समझिए आप जो मैं कहना चाह रहा हूं कि जब वॉल्यूम कम होता है तो वो रेडियस के क्यूब में कम होता है, और जब वो रेडियस के क्यूब में कम होता है तो डेफिनेटली ये वैल्यू ज्यादा कम होगी, ये वैल्यू कम कम होगी, और ओवरऑल जी की वैल्यू घटने लगेगी। तो फिर से आपको एक चीज पता चलती है कि जी की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पे होती है, सरफेस पे होती है। अगर आप ऊपर जाओगे तो भी जी की वैल्यू घटेगी, अगर आप नीचे जाओगे तो भी जी की वैल्यू घटेगी, और घटते घटते इसका जो फॉर्मूला बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, जी इज इक्वल टू जी डैश इज इक्वल टू जी कैपिटल जी सॉरी जी एम अपॉन वन माइनस डी अपॉन आर इसका स्क्वायर या इसका क्यूब होता है, कुछ इस तरीके से फॉर्मूला इसका बनता है। मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ, इसमें क्यूब होता है स्क्वायर होता है, तो ये बार इसको मैं चेक कर लेना आप लोग, जहाँ तक है इसकी इसमें स्क्वायर ही होता है, ठीक है स्क्वायर होता है। तो इस तरीके से ये डी क्या है, यहाँ पे डेप्थ है। अगर ये वाला डी आर के बराबर हो जाए तो ये देन दोनों वैल्यू बराबर हो जाएंगी, और अगर ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाएंगी तो वन माइनस वन जीरो हो जाएगा। इसे थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ, कहीं पर ये चीज आर नहीं होती है, डी अकेले होती है, क्योंकि ये इन्फिनिटी हो जाएगा फिर, ठीक है। क्योंकि हमें ये चीज पता होती है कि सेंटर पे अगर हम चले जाएंगे, ध्यान देना, सेंटर पे अगर हम चले जाएंगे तो मास हो जाएगा जीरो। सेंटर पर जाने पर मास क्या हो जाता है, जीरो, एग्जैक्टली जीरो। और अगर मास जीरो हो गया तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर में जब यही वैल्यू जीरो हो गई तो कोई भी रेडियस, कोई भी जो है ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा, कोई भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं लगेगी। तो दूसरी चीज जो हमें पता करनी है वो ये है कि जी की वैल्यू एट सेंटर कितनी होती है, जीरो होती है। बस ये चीज आपको और ध्यान रखनी है कि जी की वैल्यू जो सेंटर पे है वो कितनी होती है, जीरो होती है। जी की वैल्यू सबसे ज्यादा सरफेस पे होती है और सबसे कम सेंटर पे होती है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन है आपके सामने, जरा क्वेश्चन को करिएगा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकंड है, पृथ्वी की सतह से उसी त्रिज्या की 1/10 ऊंचाई पर त्वरण मान क्या होगा। ऊंचाई की बात कर रहा है तो हम उसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि हाइट उसकी दे रखी है 1/10 r, तो हाइट कितनी दे रखी है, 1/10 r, ठीक है। तो फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम, हमें क्या फॉर्मूला पता है, g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस आर बाई टेन का स्क्वायर, ठीक है। तो 10 r प्लस r 11 r/10, तो ये हो गया हमारा 11 r/10 स्क्वायर, राइट। तो ये हो गया हमारा 11 r/10 का स्क्वायर। अब जरा हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 121, ये हो गया 100। तो अब हम इसे लिखेंगे 121 r² / 100, ठीक। 100 हम ऊपर लेके जाएंगे तो हमारा जी जो नया जी आया, जी डैश जो नया आया है वो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 100/121 जी एम अपॉन आर स्क्वायर। और जी एम अपॉन आर स्क्वायर वाला पहली बार वाला क्या था, पहले ही जी था, राइट। पहले ही क्या था, इसकी वैल्यू जी थी जो कि 9.8 थी। तो अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहें, 121 पृथ्वी की सतह से उसकी त्रिज्या की 1/10 ऊंचाई पर त्वरण का मान क्या होगा। तो अगर हम इसे निकालना चाहें तो जी डैश की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 9.8 × 100/121, राइट। ये आएगी वैल्यू जो कि पॉइंट में आएगी काफी ज्यादा, और ये 8.1 के अराउंड आएगी। एक बार इसको चेक कर लेना आप लोग, इसको सॉल्व करके देखिए, 8.1 के ही अराउंड आएगी, ठीक है। क्योंकि बाकी ऑप्शन तो बन ही सकते, 4.5 बनी गए नहीं, 100/121 है ये, तो बाकी तो बनेंगे नहीं, बस यही एक ऑप्शन है जो बन सकता है, बाकी सभी सेम ही है। तो सॉल्व करोगे तो 9.8.1 के अराउंड आएगी। अब इसको सॉल्व कर लेना आप लोग, ये वैल्यू यही आएगी 8.1, ठीक है।
ओके चलें आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। बस 10-15 मिनट में। ओके सो नेक्स्ट वन इज मोशन ऑफ द सैटेलाइट्स, राइट। मोशन ऑफ द सैटेलाइट्स क्या है, मतलब किस तरीके से उपग्रहों की गति होती है, ठीक है, ये आपको देखना है। तो जो सैटेलाइट्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है पोलर सैटेलाइट जो इस तरीके से रिवॉल्व करता है, और एक होता है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट जो पृथ्वी के हॉरिजॉन्टल एक्सिस में रिवॉल्व करता है। तो दो हैं, एक तो ऐसे ऐसे रिवॉल्व करेगा पोलर में, और एक ऐसे ऐसे रिवॉल्व करेगा, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल में। तो जो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं, और दूसरे जो होते हैं वो पोलर सैटेलाइट्स होते हैं। पोलर सैटेलाइट्स को सन सिंक्रोनस सैटेलाइट्स भी कहते हैं। आप ये चीज अगर आपको प्रॉपरली दिख रहा हो, बड़ा छोटा छोटा लिखा हुआ है, बट इसको क्या कहते हैं, सन सिंक्रोनस सैटेलाइट्स कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब ये जो जो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है फिक्स होता है, जैसे मान लीजिए इसने पृथ्वी के ऊपर लगा दिया तो ये वहीं पर रहेगा, वहीं पर घूमेगा, उसी जगह पर घूमेगा, उसी जगह की चीजें लेगा। और ये जो सैटेलाइट होता है ये पूरी पृथ्वी के बारे में बताता है, मतलब ये मौसम से रिलेटेड होता है, और ये जो है वो संचार से रिलेटेड होता है। यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है ये संचार उपग्रह होते हैं, मतलब एक ही जगह पर जो है कम्युनिकेट देते हैं, एक ही जगह पर चीजें बताते हैं। और ये जो जो सैटेलाइट होता है वो कैसा होता है, एनवायरमेंट रिलेटेड होता है। बस यही चीज जो है आपको पता होनी चाहिए, विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ आपको, इसके जस्ट पहले मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट जिस तरीके से आपका ग्रेविटेशन किस तरीके से होता है, ग्रेविटेशन का मतलब क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मैंने मोस्टली चीज़ें आपको बता दी हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, यहीं पे बाइंड अप करते हैं। कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि सेंटर पर जी की वैल्यू जीरो होती है, सेंटर पर जी की वैल्यू जीरो होती है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपन आर स्क्वायर होता है। कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 × 10⁻¹⁹ न्यूटन मीटर पर के जी स्क्वायर होती है। इसी तरीके से जो अलग अलग जी है उसकी अलग अलग जी की वैल्यू भी रहती है। काइनेमेटिक की पोर्शन में मैंने आपको लिफ्ट वाला क्वेश्चन करा दिया था, तो वो जो पार्ट है वो आप उसको देख लेना, उस पार्ट में देख लेना। अभी मैं केवल ग्रेविटी के बारे में बात कर रहा था, तो मैंने ग्रेविटी के बारे में चीज़ें आपको बताई। आई होप कि आपको ये जो सेशन है वो अच्छा लगेगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट सेशन की तरफ, नेक्स्ट पोर्शन की तरफ, जिसमें हम एक और चीज़ सीखने की कोशिश करेंगे।